अगर तो क्लोरीनेशन आपकी इस वाले कार्बन पे हो रही है, एक्सट्रीम वाले पे हो रही है, तो आपका क्या बनेगा, CH3CH2, एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दो, दैट इज CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो और क्लोरीन लगाओ, तो आपका ये क्लोरीन बन गया, ठीक है, आपका एक ही बन गया। अब नेक्स्ट में क्या आता है, यहाँ के बजाय यहाँ पर भी तो क्लोरीनेशन हो सकती है मेटल में, तो ये सेकंड वाले में आप बीच वाले में क्लोरीनेशन करोगे, तो इसकी जगह अगर क्लोरीन लगेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बना। एक यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन है, यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन में है, तो दीज आर आइसोमर्स, ये हमें जो मिले हैं आपके पास वो आइसोमर्स। देखना है कि इनमें से मेजर कौन सा है एंड माइनर कौन सा है। तो ये देखो कि यहाँ पे ना क्लोरीन को एक तरह से भूल जाओ और यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर भी क्लोरीन को भूल जाओ और यहाँ इसके ऊपर फ्री रेडिकल लगा दो, ठीक है, इसको भूल जाओ, फ्री रेडिकल लगाओ। अगर इसको आप हटाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री बन गया, तो आपको पता होना चाहिए रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, कि 2 डिग्री जो रेडिकल होता है, ठीक है, 2 डिग्री जो रेडिकल होता है, दिस इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री रेडिकल। वैसे उसके बेसिस पे देखो, जो ये 2 डिग्री रेडिकल से जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, रादर आपका जो ये 1 डिग्री रेडिकल से आपको प्रोडक्ट मिला है। सो आपका ये मेजर हो गया, मैं इसको मेजर लिख लेती हूँ, और ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है।